नमस्कार, मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद की अवंतिका में बना हुआ 2 BHK फ्लोर। इस फ्लोर को 150 गज में बनाया गया है और जो इन्वेंट्री आपको मिलेगी वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगी। ये जो आप मौके पे फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये इस फ्लोर के हैं। यहाँ से इस फ्लोर का एंट्रेंस शुरू होता है और मैं आपको अंदर तक पूरा ये दिखाऊंगा। फ्लोर बहुत ही बड़े स्पेस में ये फ्लोर बना हुआ है। हमारे काफ़ी सारे दर्शकों ने हमसे कहा है कि सर कोई स्पेसियस 2 BHK अगर बना हुआ है तो आप हमें ज़रूर दिखाइए। तो ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें लिविंग और डाइनिंग एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए। ये आप मौके पर देख रहे हैं, छत पर फोर सीलिंग करवाई गई है, दीवार पर टेक्चर पेंट करवाया गया है, पर्दे लगे हुए हैं और इसके फर्श पे नीचे शानदार टाइल्स लगे हुए हैं। इसमें आपको एक बाथरूम कॉमन मिलेगा, दूसरा बाथरूम आपको अटैच मिलेगा। बहुत बड़ी इसकी किचन है। इसका जो लिविंग और डाइनिंग एरिया है बहुत बड़े स्पेस में है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ये फ्लोर अप्रूव्ड है और आपको कॉलोनी के अंदर पार्क, सीवर, चौड़ी सड़कों की सुविधाएं मिलेंगी। इस फ्लोर की जो कीमत है वो 45 लाख रुपए है और मैं आपको मौके पर दिखा रहा हूँ। ये इस फ्लोर का किचन बना हुआ है, सामने इसमें चिमनी लगी हुई है, फुली मॉडुलर आपको एक किचन मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो लगा हुआ है, नीचे दराज वगैरह सभी कंप्लीट बनी हुई हैं। बहुत ही अच्छा इसमें काम करवाया गया है और पूरे किचन में जो है टाइल्स लगे हुए हैं, ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है और ये देखिए इसमें चिमनी भी लगा करके आपको मिलेगी, पर्दे भी लगे हुए आपको मिलेंगे। 150 गज में वैसे तो 3 BHK और 4 BHK बनाए जाते हैं लेकिन ये सिर्फ 2 BHK बनाया गया है और बहुत ही अच्छा इसमें आपको जो एक एरिया है वो आपको मिलेगा। ये आपका पहला कमरा था, इसमें आपको ये अटैच बाथरूम मिलेगा। इसमें देखिए ऊपर तक टाइल्स लगे हुए हैं, हिंदी सीट लगी हुई है और इसका जो स्पेस है बाथरूम का वो काफ़ी अच्छा स्पेस है। एक दीवार पे आपको टेक्चर पेंट हो करके मिलेगा। दूसरे रूम में आपको पूजा घर भी मिलेगा। ये आप देखिए सामने कितना बड़ा एरिया बना हुआ है। ये आपका दूसरा रूम है, पीछे की तरफ इसमें जाल दिया गया है और ये छत पे आप देखिए ऊपर फोर सीलिंग करवाई गई है, दीवार पे टेक्चर पेंट हो रहा है और जहाँ ये पर्दे लगे हुए हैं यहाँ पीछे की तरफ आपको ये पूजा घर का स्पेस मिलेगा। ये देखिए पूजा घर का स्पेस है, पीछे छोटा सा वेंटिलेशन के लिए एक दरवाज़ा दिया हुआ है। ये आपका पीछे का जो है एरिया जाल वाला एरिया है, यहाँ पानी के लिए टोंटी दी गई है और आपका जाल लगा हुआ है। अब हम रूम से बाहर की तरफ चल रहे हैं और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ मौके पे कि कितना बड़ा इसका साइज है। इससे जुड़ी समस्त जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़िए। और इसका जो लिविंग और डाइनिंग एरिया है वो बहुत अच्छे स्पेस में है। बालकनी जो है इसकी काफ़ी चौड़ी स्पेस में आपको मिलेगी और रहने के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है ये। ये आपका कॉमन बाथरूम है, इसमें वेस्टर्न सीट लगी हुई है, ऊपर तक टाइल्स लगे हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए पीछे जो है जगह दी हुई है एग्जॉस्ट फैन लगने के लिए और काफ़ी बड़ा बाथरूम का स्पेस आपको इसमें मिलता है। इसमें जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री आपको मिलेगी, बाकी पूरा जो है सेल हो गया है। नीचे आपको गाड़ी की कार पार्किंग स्पेस मिलेगा। ये आपकी बालकनी में वॉश बेसिन लगा हुआ है और काफ़ी चौड़े स्पेस में इसकी बालकनी है, पूरा खुला खुला फ्लैट है। तो जिन लोगों को 2 BHK स्पेसियस चाहिए था कि हमें काफ़ी स्पेस चाहिए लिविंग और डाइनिंग एरिया में, तो ये आप मौके पर देख लीजिए कितना बड़ा इसका स्पेस है और 2 BHK फ्लोर ये बना हुआ है। इससे जुड़ी समस्त जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं और ये इसका जीना है, जीने पे SS की ग्रिल लगी हुई है। कॉलोनी के अंदर आपको पार्क, सीवर सभी सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।